हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका एक बार फिर से नए व्लॉग में। आज हम फिर एक नई ट्रिप पे जा रहे हैं, नई जगह जा रहे हैं, तो आपको कुछ रास्ते दिखाएंगे, कुछ अपनी गाड़ी का टूर कराएंगे और जहाँ जहाँ रुकते हैं वहाँ हम बताएंगे कि कितने लंबा सफ़र होता है, कितने किलोमीटर हमें जाना पड़ता है। सारी चीज़ें आपको हम आज कैमरे पर दिखाने वाले हैं। बाहर की साइड में यहाँ पहले जो ये आपको ब्रेकर दिख रहे हैं, यहाँ पहले ब्रेकर नहीं हुआ करते थे। अब तकरीबन मैं यहाँ पर 4-5 साल से आपको हर एक रोड पे ब्रेकर मिलेंगे, यानी कि जितने भी सिटी के अंदर हैं, जो हाईवे हैं जिनकी स्पीड 100 से ऊपर है वहाँ तो ब्रेकर नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ भी स्पीड जो भी 80 या 90 की स्पीड है जिन भी रोडों पर, वहाँ पर आपको ब्रेकर मिल जाएंगे। अभी हम आ गए मेन रोड पे, इसको मेन रोड बोलते हैं। ये 6 लेन की है, यानी सिटी के अंदर ही है, सिटी से बाहर नहीं है, 6 लेन है ये। ये सिग्नल भी आ गया जिसको इशारा भी बोलते हैं, क्योंकि मुझे सीधा जाना है ना, तो मैं या तो इस बीच वाली लेन में खड़ा हो सकता हूँ, मिड वाली लेन में, या तो लास्ट वाली, कि जो उधर लास्ट वाली लेन है वो आपको या तो यू टर्न कर सकते हैं या तो आप लिफ्ट जा सकते हैं, सीधा नहीं जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये सिस्टम हो गया, पहले नहीं था ये, लेकिन अभी ये सिस्टम यहाँ पर हो गया है। आज हमारा फिर से वही लंबा टूर, लंबी ट्रिप, तो यहाँ पर कुछ नहीं पता होता है कब कहाँ जाना है, कब कहाँ आना है। फोन तो मुझे तकरीबन, मैं 11:30 बजे आ गया था, लेकिन अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है तकरीबन 3 बज गए हैं यहाँ पर। अभी मैं निकल रहा हूँ 3 घंटे के बाद, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जाना है फिर से, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया कि आराम से खाना खा करके फिर यहाँ से निकलेंगे। फिर क्योंकि 3-4 घंटे का सफ़र हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है, अगर रुक गए कहीं रास्ते में तो ज़्यादा भी सफ़र हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो इसलिए अपने ये है कि खाना वाना खा लो, चाय नाश्ता जो भी है करके फिर आराम से निकलो। अभी आके जा करके हमें एक माता पड़ता है, जिसको यहाँ अपने वहाँ तो पेट्रोल स्टेशन बोलते हैं, यहाँ पर महत्ता बोलते हैं। तो वहाँ जा कर के हम तेल इसमें फुल कराएंगे, क्योंकि तेल अभी हमारा 2 पॉइंट तेल कम है, तो हम फुल करा के फिर ही निकलते हैं। ये आप सिग्नल देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा सिग्नल है, और हमें यहाँ से हम सीधे भी जा सकते हैं, लेकिन हमें जाना था लिफ्ट, तो हम इस लास्ट वाली लेन में आके खड़े हो गए यहाँ पर। अब यहाँ से हम निकल जाएंगे लिफ्ट में, फिर आपको आगे दिखाते हैं। बिल्कुल माथे पे, अब यहाँ से तेल हम फुल करा लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि कितने टाइम लगता है यहाँ पर। ये जैसे मदीने से बाहर निकलने लगो, सबसे बड़ा माथा ये पड़ता है, इसके बाद और माथे पड़ते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि पहले ही सब ओके हो जाए। यहाँ पर मस्जिद भी है यहाँ सामने, और यहाँ पर आपको चाय, गावा, यहाँ पर डीजल भी मिल जाता है, बाकी हमें तो पेट्रोल लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर करके यहाँ
आपको जाम मिलना ही मिलना है अक्सर करके यहाँ पर ये होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जितने भी लोग हैं तो
रास्ते में पड़ता है हसनिया, इसको बोलते हैं। ये जो नया वाला जम्बू का जो रोड है, जो उसी के बिल्कुल बराबर में, या टाउन कह लें आप या इसको आप कस्बा कह लें, यही एक पड़ता है जो मेन रोड से बिल्कुल बराबर में, आप इधर आपको भी देखने को मिल जाएगा। ये जो आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, जो पहाड़ बिल्कुल आपको रेत का दिख रहा होगा, बिल्कुल रेत, इसको बोलते हैं जबले मलाइका। एक यहाँ राइट साइड में भी है और एक यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर, और एक यहाँ पर, ये लेफ्ट साइड में आपको राइट साइड में दिख जाएगा, और ये वाला इसको बोलते हैं जबले मलाइका, क्योंकि यहाँ पर बदर है, जंगे बदर जहाँ हुई थी, बोलते हैं कि यहाँ पर जो फरिश्ते आए थे वो इन्हीं पहाड़ों पे आए थे, जिसकी वजह से आपको ये सिर्फ रेत के दिखेंगे। ये देखो, जो भी आपका पहाड़ यहाँ पर दिखेंगे ना, दो चार पहाड़ यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, वो सारे के सारे रेत के हैं, आपको सिर्फ रेत दिखेगी यहाँ पर, ये सारे रेत के पहाड़ हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब फरिश्ते यहाँ पर उतरे थे तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो गए थे, ये रेत के पहाड़ है, इसको जबले मलाइका कहते हैं। ये बिल्कुल बदर के बिल्कुल पास में है, और वहाँ सामने जब आप थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ से आपको लेफ्ट हो जाना है, तो आप बदर की साइड में चले जाएंगे, और सामने आपको एक ब्रिज दिख रहा होगा, यहाँ से आपको लेफ्ट जाना होता है, जिससे आप बदर चल पहुँच जाएंगे। ये बदर की साइड में आपको रास्ता दिख रहा होगा दूर, ये बदर गया हुआ है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर रेगिस्तान यहाँ से चालू हो जाता है, यहाँ से पहाड़ कम है और रेगिस्तान आपको दिखना शुरू हो जाएगा।